नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर इंडियन ओएस में। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्राइवर्स। गाड़ी का ड्राइवर नहीं, ट्रक का ड्राइवर नहीं, कंप्यूटर का ड्राइवर्स। बेसिकली कैसा होता है कि कई टाइप्स के हार्डवेयर आते हैं, जैसे बारकोड स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, व्हाटएवर, जितने भी हार्डवेयर्स जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। और हार्डवेयर के अंदर ये भी होता है, जैसे कि कोई सीपीयू ले लो, सीपीयू के अंदर यूएसबी जो होते हैं, यूएसबी प्लग्स बोलूँ के कुछ भी बोलूँ, जिसके अंदर अपने पेन ड्राइव वगैरह डेटा केबल जो भी इंसर्ट करते हैं, तो वो भी एक टाइप का हार्डवेयर हुआ। दूसरा जो हो गया कि अगर हमें कंप्यूटर के अंदर गाना सुनना है, हेडफोन लगा के गाना सुनना है, तो वो भी उसका भी एक ड्राइवर आता है, वो भी एक टाइप का समझो कि एक हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, तो सबका एक स्पेसिफिक ड्राइवर होता है। आज के टाइम पे जो अगर मैं देखूँ तो ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो मैक यूज़ कर रहे हैं। मैक का तो मुझे मालूम नहीं उसका क्या सिस्टम है, पर जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10 का, तो विंडोज़ 10 का ये है कि अगर विंडोज़ 10 के अंदर अगर आप कोई हार्डवेयर इंसर्ट करते हैं, जैसे कि आपने हेडफोन इंसर्ट किया, या फिर समझो कोई यूएसबी पेन ड्राइव इंसर्ट की, या डोंगल इंसर्ट किया, या फिर कोई प्रिंटर का कोई प्लग इंसर्ट किया, तो उसमें क्या होगा कि वो लगभग 90% वो अपने आप ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके वो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें कैसा होता है कि कंप्यूटर जो होता है, जो विंडोज 10 को प्री इंस्टॉलेड ड्राइवर्स भी रखता है, कि अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट उसको जैसे ही आप उसको प्लग इन करेंगे यूएसबी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक उसको कर लेगा डिटेक्ट। डिटेक्ट करने के बाद वो उसको इंस्टॉल भी कर देगा, फिर आप उसको यूज भी कर सकते हैं। प्रिंटर स्पेसिफिकली वो कर लेता, बाकी अगर जैसे समझो कि बारकोड स्कैनर हो गया, जिसके जो समझो कि कोई भी काम हो जिसके अंदर बारकोड यूज आता है, तो उसके लिए उसको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर बेसिकली कभी कभी वो अगर इंटरनेट कनेक्टेड हो तो समझो कि 90% वो डिटेक्ट कर ही लेगा, अगर बिना इंटरनेट हो तो समझो 50% चांसेस है। तो इसमें क्या होता है कि कई लोग होते हैं जिसको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो बोलते हैं ड्राइवर नहीं है मेरे पास, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसका भी क्यू इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो जाते हैं कंप्यूटर वाले के पास, वहां से उसको इंस्टॉल कराते हैं, और वो उसका काफ़ी चार्जेस अमाउंट जो भी है वो काफ़ी चार्जेस उसका लेते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एक बटन दबाना है और अपडेट मारना है, बस। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लंबा प्रोसीजर नहीं है। वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे आपके ड्राइवर्स हैं, उसको आज के टाइम पे जो भी अपडेटेड ड्राइवर्स अवेलेबल है उसके डेटाबेस के अंदर, वो उसको जाके लिंक करके उसको कर देगा अपडेट। मतलब समझो कि अगर कई बार के ड्राइवर्स में भी प्रॉब्लम आती है कि कुछ डिटेक्ट कर रहा है, अनडिटेक्ट कर रहा है, जो भी है, तो वो क्या करेगा कि पूरे कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर है वो सबको अप टू डेट कर देगा, पूरा एकदम स्मूथ कर देगा। ये 100% सेफ है एंड सिक्योर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूँ, जो मेन चीज़ है वो। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो अभी हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे, फिर यहाँ पे टाइप करना है www.filecr.com। उसके बाद सिंपली अभी यहाँ पे हम टाइप करेंगे IOBIT, फिर प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नीचे आएंगे, यहाँ पे आएगा मेन ऑप्शन जो अपने को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो वाला, तो वो है IOBIT ड्राइवर बूस्टर प्रो, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन आएगा डायरेक्ट डाउनलोड, तो यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे भी क्लिक करना है माउस से। कुछ 5 सेकंड का वेट करना है, 5 सेकंड का वेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सक्सेसफुली, फिर यहाँ पे आ जाएगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं कि डाउनलोड जो है शुरू हो चुका है। आप ये जरूर देखिएगा इसमें नीचे लिखा हुआ द पासवर्ड ऑफ द जिप फाइल इज 123। बेसिकली ऐसे आप कुछ भी डाउनलोड करोगे उसका पासवर्ड एक ही रहेगा 123। अब ये जो डाउनलोड हो गया ये डायरेक्ट ही डाउनलोड फोल्डर के अंदर आएगा, तो यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, साइड में आप ऑप्शन देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो है जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो यहाँ पे सिंपली हमें इसे ओपन करना है। एंटर दबा भी सकते हो या तो डायरेक्ट डबल क्लिक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट टू, एक्सट्रैक्ट टू के ऊपर वापस क्लिक करना है और यहाँ पे प्रेस करना है ओके। तो यहाँ का जो पासवर्ड है वो है 123, फिर प्रेस करना है एंटर।
थोड़ी देर में ये पूरी जो सॉफ्टवेयर का जो ये बंडल है जिप फाइल के अंदर, वो पूरा पूरा एक्सट्रैक्ट होके एक फोल्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे वापिस अभी हम क्लिक करेंगे फोल्डर पे। यहाँ पे अभी हमने सबसे पहले क्लिक करना है ड्राइवर बूस्टर सेटअप पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उसका सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक करूंगा ड्राइवर बूस्टर सेटअप पे, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है येस। यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद कुछ एक दो सेकंड रुकना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फिर क्लिक करना है इंस्टॉल पे। अब ये पूछ रहा है कि एक आईओ बिट अनइंस्टॉलर, मतलब कि इन्हीं कंपनी का एक और सॉफ्टवेयर है जो ये सब वगैरह वगैरह काम कर सकता है। आप देख सकते हैं कंप्लीटली क्लीन लेफ्ट ओवर, मतलब ऐसे इसके काफी सारे सॉफ्टवेयर है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं येस आई एग्री टू इंस्टॉल आईओ बिट अनइंस्टॉलर। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं नो थैंक्स। अब यहाँ पे अभी हम क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नियर बाय कुछ 10 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा ताकि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे। हुए ये सॉफ्टवेयर काफी बढ़िया है, तो इसमें ड्राइवर जो है ऑन द वन क्लिक आप पूरा का पूरा जो ड्राइवर्स है वो आप जो है इसमें इंस्टॉल कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम से। पर हाँ, इंटरनेट होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्लिक करना है नो थैंक्स। अब यहाँ पे स्कैन नाउ मत दबाना क्योंकि अभी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अभी हमें इसे इसका क्रैक भी इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो अभी हम इसको कर देंगे क्लोज। अब ये जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर को अभी हमें यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओके करना है। तो आप देख पाएंगे बाहर एक और फोल्डर आ गया एक्टिवेटर का। अभी हमें क्या करना है, ये जो version.dll है, ये सॉफ्टवेयर जिसने भी क्रैक किया है तो उसने क्या है version.dll फाइल के अंदर कुछ कोडिंग करके इसका वो पूरा क्रैक कर दिया है। तो हमें सिंपली क्या करना है, version.dll जो फाइल है उसको हमें डायरेक्ट इसके जो मेन लोकेशन है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, जहाँ पे उसका सब डेटा पड़ा है, वहां पे जाके इसको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे शो मोर ऑप्शन करूंगा, यहाँ से फिर मैं इसको क्लिक करूंगा कॉपी पे। फिर जाऊंगा मैं दिस पीसी में, दिस पीसी में जाने के बाद मैं जाऊंगा लोकल डिस्क सी के अंदर। अब मैं इसको सर्च करूंगा इसका जो प्रोग्राम है वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स में अब ये सॉफ्टवेयर का नाम था IOBIT, तो मैं क्लिक करूंगा सिंपली IOBIT। तो IOBIT तो इसमें नहीं दिखा रहा है, तो अभी हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स बैक जाके 86, यहाँ पे अभी हम शेयर देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया IOBIT ड्राइवर बूस्टर। हमने ड्राइवर जो है IOBIT ड्राइवर इंस्टॉल किया था, तो ये ड्राइवर बूस्टर के अंदर जाना है, 9.3.0 पे क्लिक करना है। अब ये जो फाइल थी जो हमने डाउनलोड की थी फाइल CR से, अब यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करने के बाद एक्टिवेटर पे जाना है। ये version.dll को यहाँ से करना है कॉपी, मैं वापस कॉपी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने डायरेक्टरी खोली थी सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे सिंपली जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक जाके शो मोर ऑप्शन यहाँ पे करना है पेस्ट, और यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू। तो ये जो है अभी आप इसको जस्ट आपका एक लाइसेंस ही समझो या कुछ भी समझो, ये जो है अभी इंस्टॉल हो चुका है, मैंने कंप्लीटली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है। अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ओपन करूंगा सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे ये बूस्टर आ गया है। यहाँ पे जो बेसिकली जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक शॉर्टकट की जो है, जो शॉर्टकट आप बोल सकते हैं वो डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता है ताकि कि हमको बार बार अंदर डायरेक्टरी में जाके सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना पड़े। तो यहाँ से भी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद हमें कुछ नियर बाय 1 सेकेंड या 2 सेकेंड रुकोगे, 2 सेकंड आप भी देख सकते हो ड्राइवर बूस्टर 9.3 प्रो, मतलब ये हो चुका है क्रैक और ये हो चुका है फुल वर्जन। तो यहाँ पे अभी हमें सिंपली एक बटन क्लिक करना है स्कैन के ऊपर। अब ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी ड्राइवर्स है, तो वो उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और उसको सामने बता देगा कि आपके इतने जो ड्राइवर्स है उसको हमें अपडेट करना है। तो यहाँ से हो रहे ऑल द ड्राइवर्स आर अप टू डेट। तो मेरे ये जितने भी ड्राइवर्स है, ब्लूटूथ हो गया, के कैमरे का हो गया, के ये डीवी डीवीडी आर सी डी रोम ड्राइवर्स,
डिस्क का ड्राइवर्स, डिस्प्ले ड्राइवर्स, फर्मवेयर ड्राइवर्स, ह्यूमन इंटरफेस ड्राइवर्स, अब इतने तो इतने टाइप के ड्राइवर होते हैं जिसकी कोई लिस्ट ही नहीं है। तो ये है जो मेरे सारे अप टू डेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट करंट 27/4/2022, मतलब कि ये जो ब्लूटूथ का जो ड्राइवर था वो 27/4/2022 को अपडेट हो गया था। तो ये जो है ये इस टाइम पे अपडेट हो गए थे, मतलब कि इसका अपडेट अवेलेबल था, तो ये 27/4/2022 को इसका अपडेट अवेलेबल था तो इसने अपडेट कर दिया। तो मेरे जितने भी ड्राइवर्स आप चेक कर सकते हैं वो सारे के सारे अपडेटेड है। तो मुझे अभी हाल फिलहाल मैं कुछ भी हार्डवेयर इसमें कनेक्ट करूंगा या ब्लूटूथ कनेक्ट करूं या वॉट एवर जो भी कनेक्ट करूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। मेरा हर एक हार्डवेयर जो भी है इसमें डिटेक्टेबल हो जाएगा। अगर सपोज की सो दोस्तों ये प्रोसेस तो जो थी वो काफी सिंपल थी। अगर समझिए, अगर विंडोज 10 अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो विंडोज 10 के अंदर जो है आपको ये लगभग लगभग तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास समझो विंडोज 10 के नीचे विंडोज 8.1, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा जो भी है, तो उसके अंदर आपको 100% ये सॉफ्टवेयर का यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट से डाउनलोड करें, सर्च करें, आप इंस्टॉल करें, जो भी करें, अगर आपको वो मेहनत करनी तो वो कीजिए, या तो ये मेहनत करनी तो ये कीजिए। दोनों सिस्टम एक ही है, रिश्ता वही सोच नहीं, बस ये वाली बात हो गई। तो आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं या वो भी ऑप्शन यूज करते हैं, पर अगर आप विंडोज 10 है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हम सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन एकदम फ्री है। आप प्लीज, मैंने देखा है कि मेरे वीडियो जो लोग देखते हैं, काफी लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसका कोई, इसमें कोई पैसा जाने वाला है नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है।